हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करीब एक हफ्ते बाद व्लॉग कर रही हूँ आफ्टर दी केरला व्लॉग्स। एंड मैं अभी जा रही हूँ मायके। पहले मुझे जाना है, एक एक करके बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं जा रही हूँ कार पिकअप करने। मैंने कार वॉशिंग के लिए डाली हुई थी, तो मुझे पैदल जाके उसे पिकअप करना है, फिर वापस घर आना है, सारा सामान लेना है, फिर शौर्य को स्कूल से लेने जाना है। ऑल दैट आई हैव टू डू। एंड आज है ताज महोत्सव का लास्ट डे। मैं अभी तक देख नहीं पाई थी, तो मैंने कहा मैं बेटर फील कर रही हूँ तो मैं जा सकती हूँ। मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 दिन मम्मी रही, व्लॉग स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड आज यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो मैंने ये डियर लवर वाला टॉप पहना है। इतनी पतली नहीं हूँ मैं, ये काफ़ी स्किन टाइट है, बट मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया है। तो मैं जाती हूँ जल्दी से, एंड फिर आपको बीच बीच में मिलती रहूँ। सो मैं घर पहुँच गई हूँ, लंच कर लिया है मैंने। बीच में कुछ काम था सैनिटरी का, वो भी सिलेक्ट करके आई हूँ। एंड बस निकल रहे हैं अब ताज महोत्सव के लिए। मैं खुद ड्राइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत दूर है, मैं चलाते चलाते थक जाऊँगी एंड काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। तो ड्राइवर भैया को लेके जाएंगे, वो कार चलाएंगे। मैं, मम्मी, जूही, नहीं जूही नहीं जा रही है, जूही की एग्ज़ाम से रिया जा रही है। तो रिया हमारे साथ जा रही है। आज हम लोग बस इतनी लोग जा रहे हैं, भाभी वगैरह सब देख ही आए हैं, तो कोई नहीं जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। एंड बाहर ठंडे, कार ड्राइव करते समय मुझे गर्मी लग रही थी, बट ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म है। हाँ बेटू, दादी उधर है। चलो चलो चलते जाओ, बारिश तेज़ हो गई, हमें कवर्ड वाले में घुसना पड़ेगा। अभी जो अंदर वाला एरिया है हमें उसमें घुसते हैं, हाँ, क्योंकि बारिश हो गई। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए ताज महोत्सव, घुसते ही बारिश हो गई है। एंड ये लड़का रास्ते में सो गया था, एंड अब ये मेरा खून पी रहा है। हाँ बेटा, बारिश हो गया। तो 150 का ही आता है, तो आप गाड़ी आती है दो, तो हमारे पास तो थे ना, उसके साथ ही थे लेंगे। सॉरी, फाइनली जाने की गुड़िया से लगे। भीड़ बहुत है, बारिश बहुत है, सब इनकन्वीनियंट हो गया है। लेट्स सी क्या घूम पाते हैं। आइए, 100 रुपए में साढ़े, 100 रुपए में साढ़े। भैया कितने का ये? क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है। हाँ आ रही हूँ। अब काफ़ी मार्केट बंद हो चुका है, काफ़ी कम शॉप्स खुली हैं। एंड कुछ बार्गिन कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स प्राइस है। यहाँ हमने खाने के लिए लिया है पिज़्ज़ा, खाना खा के आए थे, तो इस वजह से कुछ खास नहीं ले रहे, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। एंड शौर्य से जब भी पूछो क्या खाना है, ही ऑलवेज से पिज़्ज़ा, और खाता कुछ है नहीं। चलो ये उसे लेके चलना। हाँ, थोड़ा बहुत स्नैक्स हमने खाया, सॉस लग गई है। शौर्य नानी का बहुत खून पी रहा है, नानी ये चाहिए वो चाहिए, 2-3 टॉयस मैंने दिला दी उसे इवन देन, और नानी का ही खून पी रहा है। नानी गुड़िया, नानी टॉयस, उधर है कहीं पीछे, मैं तो आगे आगे भर जाए लेगा नानी से अपनी। नानी के साथ आया है तो जिम्मेदारी नानी की है। काफ़ी कुछ है, मैं सोची थी नए घर के लिए कुछ डेकोरेशन का ले लूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने सब्सक्राइबर से मिले, बट मैं आपको उनसे दिखा नहीं पाऊंगी। फ्रेंड्स, हमने मैक्सिमम देख लिया है, बारिश आती है जाती है, अब हम स्ट्रीट पे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रीट से कुछ लेंगे। आज मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, बहुत सारा प्यार दिया उन्होंने, मेरे साथ फोटो खिंचवाए, मुझे भी बहुत अच्छा फीलिंग आई। एंड लाओ, हम पापड़ खा रहे थे और क्या किया हमने, आइसक्रीम खाई मैंने, अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, खाया है, मचती है, लेकिन खरीद के हम कुछ है नहीं, बस आना है जाना है, बस ये वाला हाल है। तो अभी
मम्मा यहाँ छोड़ा था भैया ने हमें, आगे छोड़ा था आगे वाले पे। जहाँ मम्मी टिकट थी। अच्छा अच्छा उधर। हाँ हाँ हाँ, तो ड्राइवर भैया को फ़ोन करके बुलाया, वो आ रहे हैं। और मुझे मैं एक मूड़े लेने थे मम्मा, मूड़े लेने थे ना। हाँ, वापस आ चुके हैं। शौर्य खेल रहा है अपने भाई के साथ और मैं रेस्ट कर रही हूँ। मम्मी गई है चाय बनाने, मुझे तो टीवी चाहिए होता है, टीवी वॉल्यूम कम करूँ। और काफ़ी अच्छा रहा आज घूमना, संदीप के बिना गई थी तो शायद ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जल्दी करो जल्दी करो, आदमियों के साथ लगता है ना जल्दी करो, इसलिए। एंड सब्सक्राइबर्स वाला एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत अमेजिंग था। आई एम वेरी हैप्पी नाउ एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से आप लोग मुझसे मिले। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे एंड वो मुझे इतना प्यार देंगे, तो थैंक यू सो वेरी मच। एंड मेरा गुंडा क्या दिखाते हो, क्या हो गया डंडे से, क्या कर रहे हो आप एक बार मैंने बोल दिया था इसको कि मामा यसु भैया की पिट्टू करते। हाँ, मामा यसु भैया की पिट्टू, तो हमेशा डंडा लेके जाता है। मामा यसु भैया की पिट्टू करो, यत्तू भैया तुम्हारी पिट्टू करेगा, ठीक है ना। हाँ, और एक और क्या चीज़ थी, आज मेरा फाइनली सेलेंट कॉस्ट्यूम हॉल आ गया है और वो मेरे मायके ही आया है। एक्चुअली उन लोगों ने जब बोला था कि वो भेजेंगे तब मैं केरला जाने का था, तो मैंने कहा वहाँ डिलीवरी होगी तो मैं होंगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ का एड्रेस दिया था। तो आज जाके फाइनली वो डिलीवर हुआ है, तो मैं कल उसका हॉल शूट करूँगी एंड जल्दी ही आपको उसको हॉल भी मिल जाएगा, पहले ही हॉल मिल जाएगा। केरला व्लॉग्स के बीच में मैं हॉल डाल दूँगी क्योंकि वो मोस्ट अवेटेड हॉल है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को उससे शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। एंड कैमरे का एंगल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट किया, मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई थी, बट दिखाना है तो ऑब्वियसली हैंड में नहीं रख सकती हूँ फ़ोन को। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये है गट्टे, राजस्थानी गट्टे, ये रेडी टू मेक है, मींस ग्रेवी में डालो और पक जाएंगे, ऑलरेडी बने बनाए गट्टे हैं एंड ऑथेंटिक राजस्थानी फ्लेवर था तो मैंने ले लिए, मुझे पसंद है। और लाई हूँ मैं कुशन कवर्स, आई डोंट हैव कुशन बट मैं कुशन कवर्स ले आई हूँ क्योंकि अच्छे मिल रहे थे, सेट में भी थे, मींस 250 या 300 के छोटे वाले सेट थे, पाँच पाँच के खाली कवर्स के। और एक जगह थे जहाँ आप छांट लो 50 rupees ईच, तो मैंने छांटने वाले प्रेफर किए क्योंकि मुझे एक जैसे नहीं चाहिए थे, मुझे अलग अलग चाहिए थे। मेरे सोफे अलग हैं, मतलब थोड़े डिफरेंट हैं, बट चेंज करने के लिए अच्छा है और थोड़ा वीडियो वगैरह में भी मुझे लगता है थोड़ा सा अलग लुक आना चाहिए। तो ये हैं पाँच, एंड ये मैं आप लोग वीडियो में देख लेना जब कभी कोई शॉपिंग हॉल वगैरह के साथ मैं सोच रही बेड पे लगा के या सोफे पे चेंज करके लगाऊंगी। तो दो ये हैं, सॉरी पांच ये हैं और दो नॉर्मल कुशन्स लाई हूँ विद कवर, ये सेट लेकर आई हूँ दो का, वन एंड टू, ये बेड पे रख लो, नॉर्मल सोफे पे रख लो, कहीं पे भी रख लो उस तरह से, और सॉरी ये साइज़ के अकॉर्डिंग है। और क्या लाई हूँ, मैं एक पर्स लाई हूँ अपने लिए, ये रहा पर्स राजस्थानी वाला, ये 250 का था, थोड़ा बार्गेन किया तो ये हमें पड़ा 150 का। मम्मी ने लिए बड़े वाले दो पर्स तो वो हैं 200 के, ये रहे मम्मी ने ये गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए लिए हैं, मेरे को तो वो ऑलरेडी देखती रहती हैं, ये शायद मौसी के लिए या मामी के लिए किसी के लिए लिए हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये इस तरह से हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स थे। बट वहाँ ना क्या बताऊँ, आजकल ना सेलर्स दूर से बड़े चिड़चिड़े थे। हाँ, ये मैंने अपने नए घर के लिए पहले से ले लिया है, दिस इज़ ब्यूटीफुल ना, लाइट जल रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये बहुत मुश्किल से उसने बार्गेन किया, फाइनली ये आ गया 450 पे। हाँ, 500 बोला था, फाइनली 450 पे आ गया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, छोटे वाले भी थे बट मैंने बड़ा लिया, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ से दे रखा है, आप इसे हैंग करना चाहो तो हैंग भी कर सकते हो एंड वायर है, नॉर्मल टेबल पे रखना चाहो तो टेबल पे रख सकते हो। तो लेट्स सी वहाँ पे जैसी भी कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से। और ये मैंने डियर लवर वाला टॉप पहना था, बहुत गर्म है एंड आज ठंडा था तो बहुत काम आया। और चलिए, हाँ मैंने अपनी सास के लिए ली है साड़ी, कॉटन की बहुत साड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा चीप थी, 100-100 rupees में साड़ियाँ थी, बट मैंने 100 वाली नहीं ली, मैंने 250-300 वाली साड़ियाँ ली, वो भी अच्छी टाइप की ली, छाट छाट के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, कलर देखिए कितना सुंदर है, वो इस तरीके की साड़ियाँ पहनती हैं कॉटन सिल्क की, तो मैंने ले लिए, ये 250 वाली है और जो दूसरी मैंने ली है वो 350 की है, प्राइस तो इनके ज़्यादा थे बट निगोशिएट कर करके फिर ये इतने पे आ गए, 350-350 की पड़ी। ये है सेकेंड साड़ी, दोनों पसंद आएंगी तो मैं उन्हें दोनों दे दूँगी और कोई एक पसंद आएगी तो वो एक रख लेंगी, एक मैं रख लूँगी या मेरी मम्मी रख लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छी चीज़ थी तो हमने ले ली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये मूड़े, ये भी बंद
बांध के रखे हैं वहाँ से आए हैं। ये जो होते हैं ना इस तरह से एक साइड ये एक साइड ये ट्रायंगल वाले ये है। बस ये शॉपिंग की हमने सौरभ के लिए छोटा मोटा चट्टू मोटू वो जो होते हैं अनारदाना एंड ऑल दैट। तो बस ये थी छोटी मोटी शॉपिंग। हाँ एक मिनट जैगिंग और लाई हूँ। एज यू ऑल नो मुझे जैगिंग बहुत पसंद है एंड 150 वाली जैगिंग 100 में मिल रही थी तो मैंने एक ले ली। ये है मरून सा कलर है ब्लैक में अभी पहनी हूँ ये देखिए। और ये मैं मरून ले आई हूँ ब्लू मेरे पास पुरानी पड़ी है। एक ही मैंने अपने लिए ली है एक रिया के लिए ली है। रिया और मेरा साइज़ अब सेम हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसे जिद करके मैंने एक लेगिंग दिलाई है वो कुछ भी नहीं ले रही थी। एंड 200 रुपये वाले टॉप लिए हैं कॉटन के फ्री साइज टॉप थे मुझे थोड़े लूज ही चाहिए थे। ये रहा दिस वन दिस वन ये हैं दो टॉप। तो बस यही थी मेरी सारी शॉपिंग एंड आगे जो डिनर वगैरह होगा वो सब मैं आपको फर्दर शेयर करती हूँ। अच्छा खासा लाड़ो कर रहा था। फ्रेंड्स डिनर में मैंने मंगाए हैं मोमोज ये रहे जो मैं खा चुकी हूँ और ये मैंने मम्मी के लिए छोड़ दिए और चिकन रोल मामा वाले से यहाँ पे मंगाए वहाँ पे मेरी डिलीवरी नहीं होती है जहाँ मैं रहती हूँ तो यहाँ मैंने मंगाए हैं। मेरे भाई ने मम्मी को भी मैं थोड़ा टेस्ट करा देती हूँ इस बारे जूही और मैं अभी मोमोज इन्जॉय कर रहे हैं। मम्मी रोटी सेकने गई है कैन यू बिलीव इट उनके लिए कितना मंगा लो उनको दाल रोटी ही चाहिए। अभी मोमोज खाएँ तो थोड़ी मिर्ची लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ रोल कैसा है। ये है मोमोज अराउंड 11 पीस आए थे मैंने काउंट किए काफ़ी सही क्वांटिटी है। हाँ शौर्य का फोटो लो शौर्य हमारा म्यूनिस खा रहा है कह रहा है मेरा फोटो लो। हाँ दिखाओ खाते हुए दिखाओ यम्मी। हाँ फोटो ले लिया मैंने। ये है रोल मैंने एग रोल नहीं मतलब चिकन रोल मंगाया था। पैकेजिंग बड़ी मस्त आई है हर चीज़ पे मामा मामा एंड मामा दिस इज द वे। सो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है शौर्य सो गया है 10:30 हो रहे हैं हम लोग फियर फैक्टर देख रहे थे तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। ताज महोत्सव घूमने जाओ तो काफ़ी थक जाता है इंसान। मम्मी भी थक गई है मैं भी थक गई हूँ एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया मील यश जूही हम सब ने थोड़ा थोड़ा शेयर करके खा लिया। काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से मतलब उनका हक जो दिखाते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस शौर्य सो चुका है मैं भी सोने जा रही हूँ तो टिल देन बाय बाय गुड नाइट।